हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चटपटी बोंबिल फ्राई। चटपटी बोंबिल फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बोंबिल लिया है और इसे अच्छे से साफ किया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन का आटा डालेंगे। बेसन का आटा डालने के बाद हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसे 5 मिनट साइड में रख देंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें आधा कटोरी चावल का आटा डालेंगे। अब हम इसमें आधा कटोरी बेसन डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक पैन में तेल डालेंगे और इसे अच्छा गरम कर लेंगे। तेल गरम हो रहा है, तब तक हम बोंबिल को आटे से कोट कर लेंगे। इसे हाथों से अच्छे से दबा दबा कर कोट करना है। देखिए इस तरह से। मैं आपको और एक एक बताती हूँ। चावल का आटा और बेसन का आटा यूज करने से बोंबिल बहुत क्रिस्पी और अच्छी फ्राई होती है। ये देखिए, इसी तरह हम सभी बोंबिल को कोट कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कोट की हुई बोंबिल डालेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। चलिए अब हम बोंबिल को पलट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए बोंबिल फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसी तरह सभी बोंबिल को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे चटपटी बोंबिल बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारी चटपटी बोंबिल बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।